वेलकम बैक अगेन इन साइरोटेक। और आज हमारा प्रोडक्ट है OTDR। OTDR क्या होता है पहले हम उसके बारे में बताएंगे। OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, और इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर फाइबर नेटवर्क में कट जाता है। सपोज दैट एक नेटवर्क मेरा बना हुआ है और उस नेटवर्क के अंदर फाइबर कट जाएगी, तो उसको कहाँ पर कटी है उसको फाइंड करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए मैं OTDR का यूज़ करूँगा। अब हम बात करेंगे कि जो OTDR है साइरोटेक का, मॉडल नंबर Syro 3020 OTDR, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये पिज़्ज़ा बॉक्स टाइप का OTDR है, जो टाइप्स ऑफ बोलते हैं। और सेकेंडरी इसके अंदर OTDR के फंक्शन एंड VFL 10 mW का हमने VFL का ऑप्शन रखा है। अब वन बाई वन हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके पैरामीटर्स और स्पेसिफिकेशन। तो फर्स्ट इज डायनेमिक रेंज। किसी भी OTDR के अंदर लेज़र होता है, तो लेज़र की एक पावर होती है, तो वो जो पावर है वो 32/30 dB की हमारे इस OTDR के अंदर पावर है। दूसरा कि वो OTDR किन वेवलेंथ्स के ऊपर काम करेगा, तो दो वेवलेंथ इसके अंदर दी गई हैं, 1550 और 1310, राइट। तीसरा पॉइंट है कि वन की है, अगर मैं चाहूँ इसको तो वन बटन दबाने के बाद पूरा के पूरा ऑटोमेटिकली लेगा और OTDR का ट्रेस दिखाएगा आपको। चौथा पॉइंट, मोस्टली OTDR टच के साथ में आते हैं, टच स्क्रीन के साथ में, या कुछ OTDR जो बटन्स के साथ में आते हैं, तो हमारे इस OTDR के अंदर टच एंड बटन दोनों ही ऑप्शन हैं, तो कस्टमर जिस मोड में कंफर्टेबल फील करे वो दोनों को चला सकता है। फिर रियल टाइम टेस्ट, कि जो रियल नेटवर्क है हमारा उसमें रियल टाइम टेस्ट करेगा कंटिन्यूसली, उस पर्टिकुलर उसको टेस्ट करता रहेगा कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद इसके अंदर बैटरी, किसी भी OTDR की जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 4000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमको इसके अंदर जितने भी हमने कब्स लिए हैं कि उनका कितना स्टोरेज करेगा, क्योंकि उनका आउटपुट देना पड़ता है हम लोगों को, तो 8 GB मेमोरी के अराउंड वो सेव करेगा। और जो इसकी डिस्प्ले पर जो स्क्रीन कब्स बनेंगे वो लगभग 80,000 के आसपास ग्रुप्स को कवर कर सकता है। VFL विजुअल फॉल्ट लोकेटर, यानी लेज़र लाइट होती है रेड कलर की, उसे हम फाइंड कर सकते हैं विजुअली विद अपनी नॉर्मल आँखों से कि वो कहाँ पर कटा है, तो 10 mW का इसके अंदर पावर दिया गया है। इसके बाद दो मेन फैक्टर होते हैं हमारे, इवेंट डेड जोन जो कि लोअर देन 1.5 m है, और दूसरा एटीन्यूशन डेड जोन जो 4 m की रेंज में दिया हुआ है। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है कि हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। 5.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, और इसमें हमने एक ऑप्शन और ये भी दिया है कि इसके अंदर जो भी डेटा हम सेव करेंगे, सपोज दैट हमने कर्व सेव किया तो उसका हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारे इस OTDR के अंदर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है और कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे। देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, तो मैंने ऑन किया तो OTDR लिख कर आएगा, साइरोटेक ब्रांडिंग लिख कर आएगी। थोड़ा सा समय लेता है बूटिंग में, देखिए बूट हो गया इस समय पर, साइरोटेक लेट्स फाइबर, और उसके बाद मेन डिस्प्ले। मेन डिस्प्ले डिस्प्ले के ऊपर ये आपको दिखाएगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है इसको चलाते समय। तो देखिए अब मैं पोर्ट्स भी दिखा देता हूँ इसमें, ये हमारा OTDR का पोर्ट हो गया, सेकंड वाला जो दिया गया है वो VFL, जैसा मैंने बताया VFL विजुअल फॉल्ट लोकेटर 10 mW का, बाकी एक चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, और USB अगर मुझे इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है या डेटा आउट लेना है तो उसके लिए, राइट। अब मैं OTDR का देखिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर, ये टच भी है बटन भी है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं, टच पैनल्स, टच पेंसिल्स में लगाया। देखिए ये 10 km का स्पूल है, अब इस स्पूल को मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, तो देखो मैंने स्पूल को इसके अंदर कनेक्ट किया है और मैं इस टच पेंसिल से इसको यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं OTDR में जाऊँगा, OTDR में पैरामीटर्स की सेटिंग करूँगा, तो मैंने 20 km का रेंज रखा हुआ है, पल्स विथ टेस्ट टाइमिंग 15 सेकेंड का, और वेवलेंथ 1550 nm लिया हुआ है, और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर अगर मैं बटन का यूज़ करता हूँ तो वन की टच पर ये काम करने लगेगा, या अगर मैं पेंसिल टच यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखो मैंने यहाँ पर टच किया, अभी ये प्रोसेसिंग इसने चालू की। ये सबसे पहले पोर्ट को चेक करेगा क्या पोर्ट सही है, अगर पोर्ट सही नहीं होगा तो ये मना कर देगा कि आप अपने कनेक्टर को क्लीन करें,
देखिए अभी टेस्टिंग चल रहा है, मैंने 15 सेकंड का टाइम इसके अंदर दिया हुआ है, ये अभी टेस्टिंग इन प्रोग्रेस है, अप्रॉक्सीमेटली 90% हो चुकी है। देखिए इसने दिखा दिया मेरे को, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 10.260 किलोमीटर दिखा रहा है मेरे को, जो कि एक्यूरेट है, और परफेक्शन के साथ इसने ग्राफ दिखाया है कि ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है। मैं ए और बी कर्सर यहाँ पर सेट कर सकता हूँ और जूम इन जूम आउट ये सारे के सारी चीज़ें कर सकता हूँ। आज हमने आपको बताया साइरोटेक का ये प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है OTDR साइरो 3020 OTDR, और इस प्रोडक्ट के कैसे यूज़ होता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ हम किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ISP सेगमेंट के लिए हो गया, टेली कम्युनिकेशन फील्ड के लिए हो गया, या केबल TV ऑपरेटर्स हो गए, या सिस्टम इंटीग्रेटर्स हो गए, उनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। थैंक यू फॉर